देश के विभिन्न कोनों से यहां केवड़िया इस एकता नगर में आए पुलिस बल के साथी, एनसीसी के नौजवान, कला से जुड़े हुए सारे आर्टिस्ट, देश के विभिन्न हिस्सों में एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी में शामिल हो रहे नागरिक भाई बहन, देश के सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं, अन्य महानुभाव और सभी देशवासियों, मैं एकता नगर में हूं पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है, सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का यह अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल का धैर्य उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहे, आगे भी करते रहे। साथियों, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय एकता दिवस का बहुत विशेष अवसर के रूप में मैं इसे देख रहा हूं। ये वो वर्ष है जब हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एकता नगर में ये जो परेड हुई है,
हमें इस बात का एहसास भी दिला रही है कि जब सब एक साथ चलते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज यहां देश भर से आए हुए कुछ कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने वाले थे, भारत के विविध नृत्यों को भी प्रदर्शित करने वाले थे, लेकिन कल की घटना इतनी दुखद थी कि आज के इस कार्यक्रम में से उस कार्यक्रम को हटा दिया गया। मैं उन सभी कलाकारों से उनके यहां तक आना, उन्होंने जो पिछले के दौरान मेहनत की है लेकिन आज उनको मौका नहीं मिला, मैं उनके दुख को समझ सकता हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं। साथियों, ये एकजुटता, ये अनुशासन परिवार, समाज, गांव, राज्य और देश हर स्तर पर आवश्यक है और इसके दर्शन आज हम देश के कोने कोने में कर भी रहे हैं। आज देश भर में 75,000 एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी हो रही है, लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश का जन जन लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की संकल्प शक्ति से प्रेरणा ले रहा है। आज देश का जन जन अमृत काल के पंच प्राणों को जागृत करने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संकल्प ले रहा है। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस ये अवसर केवड़िया एकता नगर की ये धरती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें निरंतर ये एहसास दिलाते हैं कि आजादी के समय अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व न होता तो क्या होता, क्या होता अगर 550 से ज्यादा रियासतें एकजुट नहीं हुई होती, क्या होता अगर हमारे ज्यादातर राजे रजवाड़े त्याग की पराकाष्ठा न दिखाते, मां भारती में आस्था न दिखाते। आज हम जैसा भारत देख रहे हैं हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक कठिन कार्य, ये असंभव कार्य सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल ने ही सिद्ध किया। साथियों, सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल तारीख भर नहीं है, ये भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य का एक महापर्व भी है। भारत के लिए एकता कभी भी विवस्ता नहीं रही है, भारत के लिए एकता सदा सर्वदा विशेषता रही है, एकता हमारी विशिष्टता रही है। एकता की भावना भारत के मानस में, हमारे अंतर्मन में कितनी रची बसी है, हमें अपनी इस खूबी का अक्सर एहसास नहीं होता है, कभी कभी ओझल हो जाती है। लेकिन आप देखिए, जब भी देश भर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। आपदा उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिमी हिस्से में, ये मायने नहीं रखती है। पूरा भारत एकजुट होकर सेवा, सहयोग और संवेदना के साथ खड़ा हो जाता है। कल ही देख लीजिए ना, मोरबी में हादसा हुआ,
उसके बाद हर एक देशवासी हादसे का शिकार हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। स्थानीय लोग हादसे की जगह पर अस्पतालों में हर संभव मदद के लिए खुद आगे आ रहे हैं। यही तो एकजुटता की ताकत है। कोरोना का इतना बड़ा उदाहरण भी हमारे सामने है। ताली थाली की भावनात्मक एकजुटता से लेकर राशन, दवाई और वैक्सीन के सहयोग तक देश एक परिवार की तरह आगे बढ़ा। सीमा पर या सीमा के पार जब भारत की सेना शौर्य दिखाती है तो पूरे देश में एक जैसे जज्बात होते हैं, एक जैसा जज्बा होता है। जब ओलंपिक्स में भारत के युवा तिरंगे की शान बढ़ाते हैं तो पूरे देश में एक जैसा जश्न मनता है। जब देश क्रिकेट का मैच जीतता है तो देश में एक जैसा जुनून होता है। हमारे जश्न के सांस्कृतिक तौर तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन भावना एक जैसी ही होती है। देश की ये एकता, ये एकजुटता, एक दूसरे के लिए अपनापन, ये बताता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की जड़ें कितनी गहरी है। और साथियों, भारत की यही एकता हमारे दुश्मनों को खटकती है। आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों पहले गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत की एकता हमारे दुश्मनों को चूपती रही है। इसलिए गुलामी के सैकड़ों वर्षों में हमारे देश में जितने भी विदेशी आक्रांत आए, उन्होंने भारत में विभेद पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने भारत को बांटने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए सब कुछ किया। हम फिर भी उसका मुकाबला कर सके, क्योंकि एकता का अमृत हमारे भीतर जीवंत था, जीवंत धारा के रूप में बह रहा था। लेकिन वो कालखंड लंबा था। जो जहर उस दौर में घोला गया, उसका नुकसान देश आज भी भुगत रहा है। इसलिए ही हमने बंटवारा भी देखा और भारत के दुश्मनों को उसका फायदा उठाते भी देखा। इसलिए हमें आज बहुत सावधान भी रहना है। अतीत की तरह ही भारत के उत्कर्ष और उत्थान से परेशान होने वाली ताकतें आज भी मौजूद है। वो आज भी हमें तोड़ने की, हमें बांटने की हर कोशिश करती है। हमें जातियों के नाम पर लड़ाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव घड़े जाते हैं। प्रांतों के नाम पर हमें बांटने की कोशिश होती है। कभी एक भारतीय भाषा को दूसरी भारतीय भाषा का दुश्मन बनाने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं। इतिहास को भी इस तरह पेश किया जाता है ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो। और भाइयों बहनों, इसे एक और बात हमारे लिए ध्यान रखनी आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि देश को कमजोर करने वाली ताकत हमेशा हमारे खुले दुश्मन के रूप में ही आए। कई बार ये ताकत गुलामी की मानसिकता के रूप में हमारे भीतर घर कर जाती है। कई बार ये ताकत हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के जरिए सेंधमारी करती है। कई बार ये तुष्टिकरण के रूप में, कभी परिवारवाद के रूप में, कभी लालच और भ्रष्टाचार के रूप में दरवाजे तक दस्तक दे देती हैं,
जो देश को बांटती और कमजोर करती है, लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा। हमें जवाब देना होगा भारत मां के एक संतान के रूप में, हमें जवाब देना होगा एक हिंदुस्तानी के रूप में, हमें एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। विभेद के जहर का जवाब हमें एकता के इसी अमृत से देना है, यही नए भारत की ताकत है। साथियों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैं सरदार साहब द्वारा हमें सौंपे दायित्व को फिर दोहराना चाहता हूं। उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी भी दी थी कि हम देश की एकता को मजबूत करें, एक राष्ट्र के तौर पर देश को मजबूत करें। ये एकता तब मजबूत होगी जब हर नागरिक एक जैसे कर्तव्य बोध से ये जिम्मेदारी संभालेगा। आज देश इसी कर्तव्य बोध से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज देश में हर कोने में, हर गांव में, हर वर्ग के लिए और हर व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के एक जैसी नीतियां पहुंच रही है। आज अगर गुजरात के सूरत में सामान्य मानवी को मुफ्त वैक्सीन लग रही है, तो अरुणाचल के सियांग में भी उतनी ही आसानी से मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध है। आज अगर एम्स गोरखपुर में है, तो बिलासपुर, दरभंगा और गुवाहाटी और राजकोट समेत देश के दूसरे शहरों में भी है। आज एक और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट की किसी रसोई में खाना बन रहा हो या तमिलनाडु की किसी समियल अरई में खाना बन रहा हो, भाषा भले अलग हो, भोजन भले अलग हो, लेकिन माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने वाला उज्ज्वला सिलेंडर हर जगह है। हमारी जो भी नीतियां हैं, सबकी नीयत एक ही है, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। साथियों, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने दशकों तक अपनी मौलिक जरूरतों के लिए भी लंबा इंतजार किया है। बुनियादी सुविधाओं के बीच की खाई जितनी कम होगी, उतनी ही एकता भी मजबूत होगी। इसलिए आज देश में सैचुरेशन के सिद्धांत पर काम हो रहा है। लक्ष्य ये कि हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए आज हाउसिंग फॉर ऑल, डिजिटल कनेक्टिविटी फॉर ऑल, क्लीन कुकिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, ऐसे अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। आज शत प्रतिशत नागरिकों तक पहुंचने का यह मिशन केवल एक जैसी सुविधाओं का ही मिशन नहीं है, ये मिशन एकजुट लक्ष्य, एकजुट विकास और एकजुट प्रयास का भी मिशन है। आज जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए शत प्रतिशत कवरेज देश और संविधान में सामान्य मानवी के विश्वास का माध्यम बन रहा है। ये सामान्य मानवी के आत्मविश्वास का माध्यम बन रहा है। यही सरदार पटेल के भारत का विजन है, जिसमें हर भारतवासी के लिए समान अवसर होंगे,
समानता की भावना होगी। आज देश उस विजन को ले साकार होते देख रहा है। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हर उस समाज को प्राथमिकता दी है जिसे दशकों तक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। इसलिए देश ने आदिवासी के गौरव को याद करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। देश के कई राज्यों में आदिवासी स्वतंत्र संग्राम में उनकी भूमिका उसको लेकर के म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। कल मैं यहां मानगढ़ जाने वाला हूं, उसके बाद मैं जामुगोड़ा भी जाऊंगा। मेरा देशवासियों से आग्रह है कि मानगढ़ धाम और जामुगोड़ा के इतिहास को भी जरूर जाने। विदेशी आक्रांतों द्वारा किए गए कितने ही नरसंहारों का सामना करते हुए हमें आजादी मिली है। आज की युवा पीढ़ी को ये भी सब जानना बहुत आवश्यक है, तभी हम आजादी की कीमत भी समझ पाएंगे, एकजुटता की कीमत भी जान पाएंगे। साथियों, हमारे यहां कहा भी गया है, ऐक्यम बलम, ऐक्यम बलम समाजस्य तद भावेश दुर्बलः, तस्मात् ऐक्यम प्रशंसन्ति दृढ़ राष्ट्र हितेषण। अर्थात किसी भी समाज की ताकत उसकी एकता होती है। इसलिए मजबूत राष्ट्र के हितेशी एकता की इस भावना की प्रशंसा करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। इसलिए देश की एकता और एकजुटता हम सबका सामूहिक दायित्व है। ये एकता नगर भारत का एक ऐसा मॉडल शहर विकसित हो रहा है जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अभूतपूर्व होगा। लोगों की एकता से, जन भागीदारी की शक्ति से विकसित होता एकता नगर आज भव्य भी हो रहा है और दिव्य भी हो रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा की प्रेरणा हमारे बीच में है। भविष्य में एकता नगर भारत का एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो अभूतपूर्व भी होगा और विश्वसनीय भी होगा। जब देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी मॉडल शहर की बात होगी, एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में बिजली बचाने के वाले एलईडी प्रकाशित किसी मॉडल शहर की बात होगी, सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में सोलर पावर से चलने वाले क्लीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात आएगी, तो सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। जब देश में पशु पक्षियों के संरक्षण की बात होगी, विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं के संरक्षण की बात होगी, तो सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा। कल ही मुझे यहां मियावाकी फॉरेस्ट और मेज गार्डन का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। यहां का एकता मॉल, एकता नर्सरी, विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाला विश्व वन, एकता फेरी, एकता रेलवे स्टेशन, ये सारे उपक्रम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की प्रेरणा है। अब तो एकता नगर में एक और नया सितारा भी जुड़ने जा रहा है। आज मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। और अभी जब हम सरदार साहब को सुन रहे थे, उन्होंने जिस भावना को व्यक्त किया, उस भावना को उसमें प्रतिबिंब में हम कर रहे हैं। आजादी के बाद देश की एकता में सरदार साहब ने जो भूमिका निभाई थी, उसमें बहुत बड़ा सहयोग देश के राजा रजवाड़ों ने भी किया था। जिन राज परिवारों ने सदियों तक सत्ता संभाली, देश की एकता के लिए एक नई व्यवस्था में उन्होंने अपने अधिकारों को कर्तव्य भाव से समर्पित कर दिया। उनके इस योगदान की आजादी के बाद दशकों तक
उपेक्षा हुई है। अब एकता नगर में उन राज परिवारों के, उन राज व्यवस्थाओं के त्याग को समर्पित एक म्यूजियम बनाया जाएगा। ये देश की एकता के लिए त्याग की परंपरा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। और मैं गुजरात सरकार का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस दिशा में काफी ग्राउंड वर्क पूरा किया है। मुझे विश्वास है सरदार साहब की प्रेरणा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करेगी। हम सब मिलकर सशक्त भारत का सपना पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं जब कहूंगा सरदार पटेल, आप दो बार बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।